हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सॉकेट सेट के बारे में। तो आज मैं रिव्यू करूंगा एम्बीटेक ई सॉकेट का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये सॉकेट सेट मैंने ख़रीदा था, कोई 850 या 800 के अराउंड आपको मिलेगा ये मार्केट में, और आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो ये सॉकेट सेट है एम्बीटेक ब्रांड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बीटेक ब्रांड का है ये सॉकेट सेट एम्बीटेक, और ये नासा टेक इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं सॉकेट की, वो नासा के स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करती हैं। ये है ई टाइप सॉकेट सेट। ई टाइप जो सॉकेट सेट होती है, जिनको नहीं पता बता दूं कि हमारे यहाँ पे दो तरह की हमारे पास सॉकेट्स होती हैं। एक होती है हेक्सागनल जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, एक होती है 12 पॉइंट्स जिसमें 12 पॉइंट्स होते हैं। हिंदी में बताऊं तो 6 पैल की होती है और 12 पैल की होती है। लेकिन ये स्पेशल टाइप की सॉकेट होती है जो कि ऑटोमोटिव कार्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसे हम ई सॉकेट सेट कहते हैं या फिर ई टाइप सॉकेट कहते हैं। ये होती है स्टार शेप में। तो ज़्यादातर BMW, जो ऑडी है, और जो मर्सिडीज़ है, या जो जर्मन कार्स हैं, जो लग्जूरियस और हाई एंड कार्स हैं, उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। इंजन में भी यूज़ होती है, उनके सीट्स में यूज़ होती है, बहुत सारी जगह में, चेसिस में यूज़ होती है, तो बहुत सारी जगह में यूज़ होती है। तो ये सॉकेट सेट जो है, ये E10 से लेके E24 तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज जो है वो E10 से लेके E24 तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E10 से लेके E24। ये क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी है। क्रोम वेनेडियम स्टील जो होता है वो नॉर्मल स्टील में मिक्स करा जाता है, ज़्यादातर टूल स्टील में मिक्स करा जाता है, ताकि जो स्टील है वो हार्ड बन सके। और जो नॉर्मल स्टील जो है, जैसे कि मैं बात करूँ माइल्ड स्टील की बात करूँ, तो वो अगर उसका ये सॉकेट बनाएंगे या कोई भी टूल बनाएंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग वियर होगा और जल्दी वो घिस जाएगा। तो इसलिए इसमें क्रोम वेनेडियम स्टील जो होता है वो मिक्स करा जाता है, ताकि ये हार्ड हो जाए और जल्दी वियर ना करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बीटेक की ब्रांडिंग है इसके ऊपर। बेसिकली एम्बीटेक जो ब्रांड है वो अंबिका का एक फर्दर ग्रुप है, जिसमें ये ई सॉकेट सेट और जो नए आजकल जो टूल्स आ रहे हैं वो एम्बिका के नाम से नहीं, एम्बीटेक के नाम से आ रहे हैं। और उसका एक और भी ब्रांड है जो कि है डीनियर्स का, वो भी सेम ब्रांड है, वो भी एम्बिका फैमिली से ही बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमारे पास एम्बीटेक की इसके ऊपर बैजिंग होती है। आपको वीडियो में दिखाता हूँ एम्बीटेक की ब्रांड बैजिंग होती है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इस पर नासा टेक भी ब्रांडिंग होती है। तो ये एक बहुत एक बढ़िया बात है, और ये इस सॉकेट को एक और अच्छी और एक बढ़िया लुक देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक की केसिंग में आता है, ये सारी प्लास्टिक की केसिंग में आता है, जिससे कि आप इसको आराम से अपने जो टूल वॉल है उस पर आप इसको हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अपनी टूल पोस्ट है या टूल की चेस्ट है, तो या टूल की आपके पास एक किट है जिसमें आप ये रख सकते हैं, तो उसमें भी ये आसानी से फिट हो जाएगी। पीछे से मैं दिखा सकता हूँ आपको, पीछे से ये से चैम्बर के डिज़ाइन में है, और ये आपको यहाँ पे हैंग करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया रखा है। और ये जो साइज़ है, ये जो ड्राइव है, ये 1/2 है, 1/2 ड्राइव है, जिसे हम हाफ इंच ड्राइव कहते हैं, जो कि हाफ इंच का जो रैचेट होता है या फिर जो
ब्रेकर बार्स होती है हाफ इंच की, उसमें ये आसानी से लग जाता है। तो ये मैंने सॉकेट सेट जो जो लिया था, ये लिया था मैंने 800 के या 850 के राउंड लिया था, जो कि मार्केट में आपको कोई भी टूल की जो टूल्स ही ये सॉकेट सेट वगैरह जो रखते हैं उनके पास आपको ये मिल जाएगा। और अब बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जब आप इसको फील करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये सॉलिड सॉकेट सेट की तरह लगती है, जैसे कि जो मार्केट में फोर्स की आती है, स्टैनली आती है, टपारिया आती है, तो उनके अकॉर्डिंग ये उनको कम्पीट करती है बेसिकली, अगर कहूँ तो ये इसको कम्पीट करती है। तो ऐसी डिज़ाइन की और ऐसे किट में और कोई कंपनी की सॉकेट जो है आती नहीं है, खासकर इंडिया में। तो इसलिए एम्बीटेक को ये फ़ायदा है कि अगर उन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है तो एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। और जो मैकेनिक्स हैं जो कि सिंगल सॉकेट ऐसी खरीदते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि मैं भी एक खुद भी एक मैकेनिक हूँ, तो इसलिए मैंने ये सॉकेट सेट जो ख़रीदा था, तो उनके लिए ये जो इजी हो जाता है, ऐसे जो कंप्लीट जो किट उनको अवेलेबल होती है मार्केट में, उनके लिए इजी हो जाता है, ताकि वो एक सिंगल सॉकेट ना खरीदे, पूरा सेट खरीदे, जो कि उन्हें कॉस्टली भी नहीं पड़ती। एक एक सॉकेट खरीदने के हिसाब से उनको ये सस्ती भी पड़ती है। तो आप इसको ले सकते हैं, अगर जो बिगनर्स है, मैकेनिक है, टेक्नीशियंस है, ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस है, उनके लिए भी ये उनको ख़रीदनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनकी वर्कशॉप है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट टूल है उनकी कलेक्शन में। उनको अपने डे टू डे जो उनका काम होता है कार्स का, या जो हाई एंड कार की रिपेयरिंग करते हैं, जो उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनके लिए बेस्ट सॉकेट है। और जो लोग कॉस्टली टूल नहीं खरीदना चाहते या उनका कोई यूज़ नहीं है कॉस्टली टूल खरीदने का, या उनकी इन्वेस्टमेंट जो है टूल्स के ऊपर वो उनको वापस नहीं आती, तो उनके लिए ये एम्बीटेक की जो ई सॉकेट है उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप कोई भी जैसे स्नैप ऑन का खरीदते हैं, या हस्की का खरीदते हैं, या क्राफ्ट्समैन का खरीदते हैं, या ऐसा कोई भी और जैसे बर्जर का खरीदते हैं, बर्जन का खरीदते हैं, जर्मन ब्रांड है, तो अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वापस नहीं आती टूल्स के ऊपर, तो उसको ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और सॉलिड है, यूज़ करने में भी मैंने यूज़ भी करा है इसको, तो मुझे अभी तक तो कोई इसमें दिक्कत जो है वो आई नहीं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप एम्बीटेक का ई सॉकेट खरीदें। जहाँ तक बात करूँ इसकी सॉकेट सेट की कोई कमी के बारे में, तो मुझे एक ही कमी लगती है कि इसके अंदर जो E8 की सॉकेट होती है, E8 की जो सॉकेट है वो इसके अंदर आती नहीं है, तो बस यही एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, और कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक लगी नहीं। अब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप पूरे सेटिस्फाइड होंगे कि कोई गलत टूल नहीं ख़रीदा आपने। तो और इसकी एक वारंटी है कि अगर ये साइज़ की जो सॉकेट है अगर वो स्लिप करती है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो ये जो एम्बीटेक है वो उसको रिप्लेस करके देगा, उसके बदले नया देगा। तो ये एम्बीटेक की एक ख़ास बात है कि अगर आप ऐसा कुछ होता है सॉकेट के टाइम पे, यूज़ करने के टाइम पे, तो आप उसको वापस करवा सकते हैं। कुछ मैकेनिक ये करते हैं कि जैसे कि कोई E11 का बोल्ट है तो उसके अंदर वो E12 की सॉकेट जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके डायमेंशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ MMs का ही फ़र्क होता है, तो वो यूज़ हो जाती है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके दो डिसएडवांटेज है, पहला तो यही है कि आपका जो सॉकेट है उसका जो फेस है वो ख़राब होता है, उसकी डायमेंशन जो है वो वियर आउट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो आपका बोल्ट है वो सबसे पहले ख़राब होता है, जो कि कुछ जैसे सपोज करो आप किसी BMW जैसी गाड़ी में काम कर रहे हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो
उसमें ज़्यादातर जो बोल्ट्स हैं जैसे कि इंजन से रिलेटेड है वो एल्युमिनियम के होते हैं, तो अगर आप वो ब्रेक हो जाते हैं ऐसा करने से, तो वो बोल्ट की कॉस्ट ज़्यादा है और ये सॉकेट जो है उसके हिसाब से कम है। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप सेम उसी साइज़ की सॉकेट यूज़ करें जो जो कि जैसा कि बोल्ट है, ना कि आप कोई भी सॉकेट जो है वो यूज़ करें जल्दबाजी में खासकर। तो ये मेरी एक एडवाइस है, पर अल्टीमेटली जो ये सॉकेट सेट है वो बेस्ट है बिगनर्स के लिए, जो बिगनर मैकेनिक्स हैं ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस हैं उनके लिए, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी ये बेस्ट है। जहाँ तक मैं बात करूँ प्राइस की, जो कि 800 या 850 के अराउंड आपको मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी की जो कि बेस्ट है इस प्राइस में, और कोई ब्रांड जो है वो ऐसा जो सॉकेट सेट है वो अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉकेट ड्राइव बेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हिट करें बेल आइकन को।